आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिपाही के लिए या बैंक एग्जाम के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जहां मैथ आती है। और तो मैथ में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और टाइम टेकन होते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 50 क्वेश्चन और समय दे दिया जाए आधा घंटा, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आते हुए छोड़ देंगे ना? बिल्कुल छोड़ देंगे। तो उन क्वेश्चनों को जल्दी कैसे किया जाए, उसके लिए कैसे कैलकुलेशन तेज किया जाए, बस इसी पे आधारित है वीडियो। हो तो चलिए बिना देर किए हुए लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक्स मैथमेटिक्स। एंड आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कुछ संख्याओं का, गिनी चुनी संख्याओं का। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़िए और कमेंट सेशन में टाइप करिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो देखिएगा सबसे पहले हम 5 का बताते हैं आपको, तो कोई जरूरत नहीं है बताने की, सब लोगों को पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। देखो 5 × 5, देखिए वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल है, ठीक है ना, वर्गमूल। और वर्गमूल होता क्या है कि किसी भी संख्या का सेम संख्या का दो बार गुणा, जैसे 4 × 4, ठीक है, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, यानी सेम संख्या। देखो ये भी संख्या सेम है, ये भी सेम संख्या है, तो इनका मल्टीपल में जब हम योग करते हैं वही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। तो यहां हम आपको ट्रिक बेस पे वर्गमूल बताना आपको चाह रहे हैं हम ट्रिकी से। तो जैसे देखिएगा आपके बाद 5 के बाद अगर आपसे हम कहा जाए कि 25 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे, विद इन सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा इसका करना क्या है कि 5 × 25 करना, देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, इसके बाद अपने मन से रफ लेकर करिए, कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा, हम कल फिर आपको बता देंगे, ठीक है। तो 5 का देखिएगा, जैसे कि ये देखिएगा 2 है 5 है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इस 5 का तू 5 बार गुणा करो, कितना हो गया 5 × 25, ठीक है ना, कितना हो गया, तो 5 × 25, यहां हम क्या लिख दिए, 25 लिख दिए, ठीक। इसके बाद ये 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, गिनिए 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 2 के बाद संख्या आती है 3, तो 3 में इसका गुणा कर दो, कितना हो गया 6, बस यही 6 लिख दो, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा जैसे 35 का स्क्वायर करना आपको, 35 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो देखिएगा इसका तो सबको पता है 5 × 5 होगा, 5 × 25 हो गया, ठीक। इसके बाद 3 का करो, तो 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद 4 आती है, तो 4 × 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 × 25 हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिएगा 45 का स्क्वायर हम निकालना आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आना समझ में। तो देखिएगा 5 का क्या होगा, 25 होगा, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 के बाद आती है 5, तो 5 × 20 सॉरी समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखिएगा अब हम करते हैं 55 का स्क्वायर, तो 55 के स्क्वायर में देखिएगा 5 × 25, और 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6 × 6 = 30, 55 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 × 25 हो गया, ठीक है। 55 के बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर करते हैं, 65 का स्क्वायर करिए, तो 65 का स्क्वायर देखिएगा सबसे पहले करना क्या है, इस 5 का देखिएगा हमने क्या किया, 5 × 25, और 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 आती है, तो 6 × 7 = 42, 25, ठीक। अब देखिएगा 75 का 5 × 25, 7 × 8, तो 8 × 7 = 56, तो क्या हो गया, 56 × 25, बिल्कुल आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा, इसको रफ कर दे रहे हैं आप लोग, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका है, मजेदार है, जो आपको विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड, जैसे ओरली हो गया, जैसे मैंने कहा 85 का स्क्वायर बताओ, तो तुरंत करोगे 5 × 25, 8 × 9 = 72, 25, उत्तर हो रहा कि नहीं हो रहा, विद इन सेकेंड। जैसे मैंने कहा 95, तो आपने कहा 5 × 25 और 9 × 10 = 90, 25, देखिए बिल्कुल सेकंड हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो 5 किसी भी संख्या के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट उसकी 5 है तो कैसे स्क्वायर निकाल लेंगे, हमको इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे आप लोग को, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं आपको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं बिल्कुल कैसे लगता है सेकंड में। अब देखिएगा कहीं पर अगर लिखा है 11 × 11, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर सबको पता है 121, ठीक, आसान था। लेकिन कहीं ये बताइएगा अगर ऐसा लिखा है
ये आपका टाइम बहुत बचाएगा अगर आपने सीख लिया हमारे यूट्यूब चैनल से, ये आ गया है तो इसको आप कैसे करोगे। तो फिर आप फंस गए, आपका चला गया 15-20 सेकंड, लेकिन नहीं फंसने की जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं बता रहा हूं, देखिएगा ये 2-3 बार लिखा हुआ वन वन, एक 2-3 बार वन वन लिखा हुआ है, तो 1-2-3 क्या हमने लिखा, 3 बार था, 1-2-3 तो मैंने लिखा 1-2-3। अब देखिएगा 3 ही बार है तो एक बार बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल बाएं से दाएं की तरफ और एक बार दाएं से बाएं की तरफ। तो देखिएगा 1-2-3 लिखा, अब इधर चलोगे तो 3-2-1, तो 3 यहां लिखा हुआ है, 3-2-1 बस यही इसका उत्तर हो गया, 3-2-1 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। चलिए अगली देखिएगा, 1-2-3 और हम कर दिए 4, तो 1-2-3-4 बिल्कुल बताइएगा क्या उत्तर होगा, कुछ नहीं करना है, 1-2-3-4। अब उल्टा चलिए रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो यहां से 4-3-2-1, तो 4 लिखे हैं 3-2-1, देखिए विदिन सेकंड आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है ना समझ में बिल्कुल, 1-2-3-4-5 गुणे 1-2-3-4-5 बताइएगा क्या उत्तर होगा, बिल्कुल देखिएगा 1-2-3-4-5 लिखना है, अब उल्टा लिख दीजिए तो 5 लिखा है, 5 के बाद 4-3-2-1 ठीक बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए 1-2-3-4-5 और ये देखिएगा 1 सेकंड रुक जाइएगा, तो 1-2-3-4-5 6 बार एक हो गया, 6 ठीक 6 बार एक कैसे करेंगे आप बिल्कुल लिखेंगे 1-2-3-4-5 और 6 फिर 6 तो है ही है, 6 के बाद 5-4-3-2-1 बिल्कुल इतना बड़ा उत्तर हो गया और यही आपको दे दिया है पूरा करने के लिए, तो बिल्कुल आपको लग जाएंगे 5 मिनट ठीक। तो बिल्कुल देखिएगा 1-1 का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, 5-5 का कॉन्सेप्ट बता दिया ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी वीडियो 2-3 बार घुमा के देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। और द एजुकेशन चैनल जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, उन सभी जरूरत लोगों को पहुंच जाए जिनको जरूरत है, जो पढ़ रहे हैं रात दिन एक करके लेकिन संसाधनों के अभाव में तैयारी नहीं हो पा रही, उन तक शेयर करिए। और द एजुकेशन मंत्रा बताइए निःशुल्क सिपाहियों के बच्चों को पढ़ा रहा है अपने चैनल के माध्यम से ठीक, जो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मिलता जाएगा उसको शेयर करिए। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, द एजुकेशन मंत्रा का जो टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक दिया गया हुआ हो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां जाके टेस्ट आप देते रहिए डेली 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेगा ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वहां टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन द एजुकेशन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, कहां जाना है टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, इसके अलावा कोई भी अपडेटेड होता है हमारे चैनल से रिलेटेड तो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, कक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी हुआ तो। चलिए ठीक है एक चीज और देखिएगा, जैसे किसी ने क्या किसी पेपर में अगर पूछा 100 गुणे 100 ठीक है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा करने में, लेकिन देखिएगा कोई टाइम नहीं लगेगा, ये सब 2 जीरो यहां है 2 जीरो यहां है कर दीजिएगा, क्या हो गया 10,000 हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिक्कत यहां होती है 101 का करके दिखाइए हमें ठीक है, 101 का स्क्वायर बिल्कुल आसान है समझिएगा, तो किया क्या हूं मैं सबसे पहले देखिएगा यही है तो मैं ऐसे कर रहा हूं 10 वही लिखा हुआ भाई 101 ही लिखा ना, तो मैं भी तो 100+1 कर रहा हूं, सॉरी 100+1 10+1 नहीं 100+1 ठीक 100+1 है ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले करना क्या है, ये 100 है सॉरी ये 100 है इसको ऐसे रहने दीजिए, ये 1 है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, कितने डिजिट में लिखना है 2 अंक में लिखना है, तो 0-1 कर दीजिए भाई, 1 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 1, लेकिन मैंने कहा कि 2 अंक में लिखना है तो 0-1 कर दीजिए, 2 अंक में हो गया ठीक है। ये 100 है रहने दीजिए ऐसे, ये 1 है इसी का दुगना इसी में जोड़ दीजिए, इसी 1 का दुगना इसमें जोड़ दीजिए, तो 100 में 1 का दुगना 2 होता है तो 102
यही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। 102 है, 102 है, ये क्या लिखा हुआ है 102, इसी का आपको करना है स्क्वायर। 102 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने कहा कि 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, 2 अंक में लिखना है तो 04। ठीक है, अब ये 2 है, इसी का दुगना आप 100 में जोड़ दो, तो 2 का दुगना क्या होता है 4, 100 में जोड़ दो तो कितना हो गया 104, 04। उत्तर आ रहा है कि नहीं विदेश सेकंड। अब देखिएगा 103 का हम कर रहे हैं, 103 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं 103 का कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 100 प्लस 3 लिख सकते हो ना, समझ में आ रहा चीजें। तो 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, 2 अंक में लिखना है। जब जब संख्या एक डिजिट आए तब तक 2 डिजिट में, और जब 2 डिजिट में आ जाए तो फिर ठीक ही है, कुछ करने नहीं है। लेकिन जब 3 डिजिट में आ जाए तब क्या करना है, तब लिखना 2 ही डिजिट, एक डिजिट को शेष रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं बिल्कुल आपको आगे। तो 103 का देखिएगा 09 हो गया, और इसी 3 का दुगना कर दो 6, और 100 में जोड़ दो तो 106 09। ठीक, अब देखिएगा 104 का, तो 104 में देखिएगा कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता 16। आप देखिए 2 डिजिट में आ गया, जब 2 डिजिट में आ गया तो आप लिख दो, अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 4 का दुगना कर दो 4 दुनाई 8, 100 में जोड़ दो 108 16। हो रहा है उत्तर, बिल्कुल मोबाइल के कैलकुलेशन बॉक्स में जाइएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट उत्तर आएगा। जितनी देर में आप कैलकुलेट करोगे तब तक 5 स्क्वायर लग जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा 105 का, अब लास्ट में 5 है तो आप सोचेंगे सर 5 वाला तो तरीका बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं हम, बताए हैं आप करके तो देखिए। देखिएगा 105 का बताया था तो मैंने कहा था 25 होगा ही, 10 के बाद 11 आता है, 10 का गुणा 11 में कर दो तो 11 दहिया 110, 110 25 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो ही रहा, लेकिन इस तरीके से देखिएगा ये है 105, क्या है 105। तो हमने कहा इसको 100 प्लस 5 तो कर ही सकते हो। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता 25, 2 अंक में हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसी 5 का दुगना कर दो, 5 का दुगना 10 होता है, इसमें जोड़ दो तो 110 25 तब भी आ गया। देखिएगा 110 25, 110 25। ठीक है, चलिए 106 का करिएगा, 106। तो देखिएगा इसको तो ऐसे कर सकते हो ना, 100 प्लस 6 में तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर कितना हो 36, 2 अंक में है, कुछ करने नहीं है, अब 6 का दुगना 100 में जोड़ दो 112 25। सेकंड 107 का कितना होगा 49, और 14 114 49। ठीक है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल चुटकियों में ले हो धड़ाक धड़ाक, 107 का करो। तो हमने कहा था 100 प्लस 7। ठीक है, हम ये आपको करके बता रहे हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट्टू तोता, जैसे कोई कहा 108 का स्क्वायर बताओ, 8 8 64, और 16 उधर हो गया 116 64। ठीक है, विदिन सेकंड हो रहा है, 7 का कितना होता 49। ठीक है, तो 7 का दुगुना कर दो 14। ठीक है, उत्तर 108 का पूछे हम, चलो ठीक है 108 का बता दो, 100 प्लस 8 तो कर ही सकते हो। ठीक है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 16 हो रहा है कि नहीं, सॉरी हाँ 8 का दुगना इसमें जोड़ना है। ठीक है, हो रहा है, 9 का करो 109 का, तो 100 प्लस 9 तो कर ही सकते हो, 9 का 81 हो गया, 9 का दुगना जोड़ दो 118 81, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 110, अब देखो 110 जब हो रहा है, चलिए अभी हम पेज में बताते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल की क्लास में फिर हम इसको आगे कर देंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे जुड़िए, द एजुकेशन मंत्रा, ठीक है, विनम्र निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि सिस्टम से सारी चीजें अवेलेबल होने लगेंगी आपको, जितने जल्दी सब्सक्राइब होगा चैनल उतनी ज्यादा सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। तो विनम्र निवेदन है कि द एजुकेशन मंत्रा को बिल्कुल इतने तरीके से वायरल कर दीजिए इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर आने लगे, क्योंकि आपको वादा कराता हूं ऐसे ऐसे टीचरों को लाकर यहां पर खड़ा करूंगा जिनकी फीस ही 10,000 रुपए है, और हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो 110 का, ठीक है 110 110 करना है, तो 100 प्लस 10, ये कर रहे हैं आपके लिए, बाकी करना उड़ना नहीं है, उत्तर आ गया इसका। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था जब भी 3 अंक में आ जाए तो आपको सिर्फ 2 अंक लिखना है, तो यहां से 2 अंक ले लो, यहां से क्या ले लो 2 अंक ले लो, तो 0
और जीरो आपने ले लिया, इसी का दुगना, दस का दुगना कितना होता है 20, इसी में जोड़ दो 120। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां आपने एक छोड़ दिया है तो 121, बस यही उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। तो चलिए 111 का बताइए, आप लोग बताइए बताइए, कोई दिक्कत 111 का? देखिएगा 111 करना कुछ नहीं है, एक तरीका हम आपको बता चुके हैं, 1 2 3 और 3 2 1 उत्तर है। 111 का इसी विधि से करना, 112 का करो, 112 तो ऐसी विधि से होगा नहीं, तो 112 जब नहीं होगा, 112 ऐसे करना होगा, 1 1 2 है ठीक है, 100 प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 तो दो ही अंक लिखना है, तो 44 लिख दो, 44 लिख दिया। अब देखना इसका दुगना 24 होगा, तो 124 एक यहां ध्यान देना, शेष छोड़ना मत, क्या नहीं छोड़ना है शेष, क्या नहीं छोड़ना है शेष शेष शेष, तो 124 देखिएगा 124 एक 125 44 उत्तर हो गया। इसी तरह आप करते जाइए, 114 15 16 17 और भी है। तो अगले शानदार ट्रिक के लिए, हमारी अगली कक्षाओं में इससे भी शानदार ट्रिक है, लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा व्यू सब्सक्राइब। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, क्लास मिलते हैं अगली कक्षा में।